प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में, और ये समय होगा कि हम एक गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु ने इनके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, और उसके बाद हम वचन में और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहिए क्योंकि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें कमेंट्स करके या फिर हमारे प्रेयर सेंटर में फोन कॉल करके, व्हाट्सअप करके भेज सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम बीना है, मैं बिहार से बोल रही हूँ। मैं एक साल से अमृता दीदी और पीके भैया का प्रार्थना सुन रही हूँ। मुझे खुजली दाद का बीमारी था और मैं कितना भी दवा करती थी नहीं अच्छा होता था। मैं प्रार्थना करती थी एक दिन परमेश्वर मैं जरूर अच्छा करेगा। अब प्रभु ये बीमारी से मुझे 8 महीने के बाद चंगा ही मिला है, इसके लिए प्रभु को लाखों करोड़ धन्यवाद करती हूँ और भैया दीदी को भी धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में ये कार्य किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह से हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो आपको हर एक समस्या से, हर एक बीमारी से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ भजन संहिता 27 और उसके 1 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़गढ़ ठहरा है, मैं किस से भय खाऊं। आमीन। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं। हाँ मेरे प्रिय, ज्योति, ज्योति के बारे में आप जानते हैं, लाइट, लाइट के बिना एक मनुष्य का जीवन कुछ भी नहीं है। सोचो जरा, दिन में यदि सूर्य न हो तो सारा संसार अंधकारमय होगा और हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार यदि रात में भी अगर ज्योति न हो, चंद्रमा न हो या फिर हमारे घरों में लाइट न हो, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। यानी कि ज्योति का काम है मनुष्य को सही रास्ता दिखाना, उसके जीवन को प्रकाशमान करना। हम भजनकार कहते हैं कि ये ज्योति मेरा परमेश्वर है। वो ज्योति कौन है? वो ज्योति मेरा परमेश्वर है, जो मुझे सही रास्ता दिखाता है, जो मेरे जीवन को प्रकाशमान करता है, जो मेरे अंधकार में जीवन को उजियाले से भर देता है। वो ज्योति मेरा परमेश्वर है, मेरे लिए मेरी ज्योति मेरा परमेश्वर है और मेरा उद्धार है, मतलब मेरा छुड़ाने वाला है, मुझे बचाने वाला है। संकट के दिन में मेरा सहायक है, मेरा उद्धार करने वाला, शत्रुओं से बचाने वाला, वो कौन है? वो भी मेरा परमेश्वर है। तो भजनकार कह रहा है कि परमेश्वर ही मेरी ज्योति है और वही मेरा उद्धार है और वही मेरा दृढ़गढ़ है। दृढ़गढ़, राजाओं के समय में राजा लोग अपना गढ़ बनाया करते थे, अपनी प्रजा की और अपने जीवन की रक्षा के लिए, शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए गढ़ को बनाते थे। और जब वो गढ़ बना देते थे तो उसमें कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाता था, यानी कि कोई उन्हें हरा नहीं पाता था। इसी प्रकार से भजनकार कहता है कि मेरा गढ़ जो है वो परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, ताकि कोई भी व्यक्ति मुझ पर चढ़ाई न कर सकते, कोई भी शत्रु मुझ पर विजयी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा गढ़, मेरा दृढ़ गढ़, मेरे दृढ़ चट्टान परमेश्वर है, मुझे बचाने वाला, मुझे छुड़ाने वाला, मेरे जीवन को प्रकाशमान करने वाला, मेरे अंधकार के दिनों को उजियाला करने वाला, मुझे सही रास्ता दिखाने वाला, शत्रुओं से बचाने वाला, दुष्ट के जलते तीरों से बचाने वाला, गलत योजनाओं से बचाने वाला मेरा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे साथ में है, इसलिए मैं किससे डरूं? किसी से भी नहीं। हमें डरने की जरूरत ही नहीं है, भजनकार कहता है, क्योंकि परमेश्वर मेरी ज्योति, मेरा दृढ़गढ़ और मेरा उद्धार है, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे भी कहूंगा, यही परमेश्वर आपका भी है। परमेश्वर आपकी ज्योति है, परमेश्वर आपका उद्धार है और परमेश्वर आपका दृढ़गढ़ है। परमेश्वर आपके जीवन के अंधकार में बातों को प्रकाशमान कर देगा, आपके जीवन को परमेश्वर सही मार्गदर्शन करेगा, आपको परमेश्वर आशीषों में लेता हुआ चलेगा, वो आपको छुटकारा देगा, क्योंकि वो आपका उद्धार है, आपको छुड़ाएगा, आपको बचाएगा उस शत्रु के जलते हुए तीरों से, क्योंकि परमेश्वर आपका दृढ़ गढ़ है, उस बीमारी से परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, क्योंकि वो आपका उद्धार है, आपका दृढ़ गढ़ है, आपकी चट्टान है, वो आपका सहायक है, वो आपकी ज्योति है।
सो मेरे दोस्तों, हमेशा अपने मन में इस विश्वास को रखें कि परमेश्वर मेरी ज्योति है, परमेश्वर मेरा दृढ़गढ़ है, मैं कभी भी न डरूंगा। अब किससे डरने की आवश्यकता है? किसी से भी नहीं। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब मिलकर आज के सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं इस भोर के प्रकाश में, आज की सुबह में आप प्रभु के सामने अपने निवेदनों को रखें, अपनी बातों को रखें, अपने जीवन के दुखों को परमेश्वर के सम्मुख रखें और उससे प्रार्थना कीजिए, ताकि परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा आपके जीवनों में भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करें। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे छुटकारा करने वाले, हमारे धन्य उद्धारक। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। तू हमारा दृढ़ गढ़ है परमेश्वर पिता, तू हमारा उद्धार करने वाला, हमारा छुटकारा करने वाला परमेश्वर है, तू हमारी ज्योति है पिता। जैसे वचन में आपने कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। हाँ प्रभु, आप हम सब के जीवन की ज्योति है प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपने हमारे जीवनों में आकर हमारे जीवनों के अंधकार को मिटा डाला और हमें ज्योति की संतान बना दिया। थैंक यू यीशु आपके इस अद्भुत आश्चर्य कर्म के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की सुबह में परमेश्वर, जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना में शामिल है लॉर्ड, एक एक जन को आप ब्लेस करें खुदावन। होने दीजिए आपकी उपस्थिति में आत्मा और सच्चाई से ये बैठने पाए और आपके पवित्र आत्मा के द्वारा गाइड किए जाए। होने दीजिए परमेश्वर की आपकी पवित्र प्रेजेंस को ये फील करे परमेश्वर लॉर्ड। आप इन्हें ब्लेस करे प्रभु जी, आप इन्हें प्रभु जी हर एक प्रभु दुष्ट की योजना से छुटकारा दे। यदि प्रभु दुष्ट प्रभु इन्हें प्रार्थना से दूर रखती है प्रभु जी, तेरी बातों से दूर रखती है प्रभु जी, प्रार्थना में जिनका मन नहीं लगता है परमेश्वर, इसी समय हर एक आलस यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर एक दुष्ट की बातें दूर हो जाए और प्रभु ये पूर्ण मन से परमेश्वर तुझसे कनेक्ट हो और तुझसे प्रार्थना करे परमेश्वर लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की सुंदर सुबह में, धन्यवाद है कि रात भर में संभाल कर रखा पिता, मीठी और सुकून भरी नींद दिया प्रभु, और ये नया दिन दिया कि इस नए दिन में तेरी महिमा और तेरी बड़ाई हो सके, तेरे अद्भुत आश्चर्य कर्म हम अपने जीवनों में देख सके और तेरी अपार दया जो हम पर बनी हुई है, उस दया के अनुसार आज के दिन में हम हर एक काम को कर सके प्रभु। आज के दिन में अपने बेटे बेटियों को बल शक्ति सामर्थ से भर दीजिए प्रभु जी, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भर दीजिए लॉर्ड। होने दीजिए अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए और होने दीजिए इनके लिए पॉसिबल, आज के दिन में इनके लिए आप पॉसिबल करें परमेश्वर लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जो आज की सुबह में आपने हमसे बातचीत किया। हाँ परमेश्वर पिता, आप ही तो हैं प्रभु जो हमारे जीवन की ज्योति हैं, हमारा उद्धार करने वाले हैं, तो हम किससे डरे परमेश्वर, और आप ही हमारे जीवन का दृढ़ गढ़ हैं, तो हम किससे भय खाएं परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, आप ही तो हैं जो हमारी ओर हैं, हमारे रक्षक बनकर, हमारी मजबूत शहरपनाह बनकर हमारे आगे खड़े हैं पिता, हमारी ढाल बनकर परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हर एक दुष्ट से, हर एक दुष्ट की बातों से आप हमें प्रोटेक्ट करें, हर एक बीमारी से, हर एक गलत योजनाओं से आप हमें सेव करें। हाँ प्रभु, आज की सुबह में परमेश्वर आप प्रभु इनके दृढ़ गढ़ हैं प्रभु। होने दीजिए प्रभु जी, हर एक दुष्ट से आप इन्हें बचाएं, हर एक दुष्ट व्यक्ति से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर, हर एक गलत लोगों से, गलत बातों से इन्हें बचाएं परमेश्वर, आप ढाल बनकर इनके आगे खड़े हो जाएं। यदि प्रभु आज भी इनका जीवन अंधकार में है प्रभु जी, यदि आज भी इनके जीवन में अंधकार की बातें हैं परमेश्वर, जो इनको प्रभु आपकी पवित्रताई की ओर बढ़ने से रोकता है प्रभु, तो होने दीजिए उन बातों को आज आप नष्ट करें परमेश्वर, आज उन बातों को नष्ट करें। हर एक वो एडिक्शन, हर एक वो गलत व्यवहार, हर एक वो गलत विचार, हर एक वे विचार यीशु मसीह के नाम से ये दूर हो जाए मेरे परमेश्वर, और होने दीजिए परमेश्वर पिता ये तुझ में पवित्रताई में बढ़ सके और प्रभु किसी भी प्रकार का भय ये ना खाने पाए, दुष्ट से डरने ना पाए, परंतु उसका सामना करने पाए, क्योंकि तू इनका गढ़ है परमेश्वर और तू इनकी ज्योति है प्रभु, ताकि आप इनके जीवन से उस अंधकार की बातों को मिटाएं और प्रभु ये ज्योति में चल सकें और किसी भी प्रकार का भय इनके जीवन में ना हो, डर इनके जीवन में ना हो। हाँ परमेश्वर पिता, इनके डर पर आप इन्हें विजय दिलाएं, इन्हें सामर्थ्य और स्थिर बनाए परमेश्वर पिता। आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिनमें परमेश्वर पिता विश्वास की कमी है परमेश्वर पिता, लैक ऑफ फेथ है परमेश्वर, हम प्रार्थना
करते हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से प्रभु उनके विश्वास की आप उन्नति करें परमेश्वर। प्रभु यदि ये अपनी परिस्थितियों को देखकर विश्वास में कमजोर पड़ रहे हैं प्रभु, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से विश्वास की कमी दूर हो जाए। यदि प्रभु जी ये अपने पति पत्नी के प्रति प्रभु जो विश्वास की कमी है प्रभु, यीशु के नाम से वो विश्वास की कमी दूर हो जाए प्रभु जी। परिवार में जो विश्वास की कमी है वो दूर हो जाए पिता परमेश्वर। किसी भी काम के प्रति प्रभु विश्वास की कमी है पिता, तो वे विश्वास की कमी दूर होने पाए और होने दे ये विश्वास में बढ़ सके और हर एक वो कमी जो विश्वास में है इनके यीशु के नाम से दूर हो जाए और आप इन्हें एक अच्छा विश्वासी और स्थिर बनाए। हर बातों में प्रभु जी ये विश्वास योग्य बने रहें, अपने रिश्तों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, बच्चे अपने माता पिता के लिए, माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रभु जी, हर एक फ्रेंड अपने फ्रेंड के लिए प्रभु जी विश्वास योग्य बने रहे परमेश्वर। अपने काम के प्रति, अपने जॉब के प्रति प्रभु ये विश्वास योग्य बने रहे। हर एक विश्वास की कमी यीशु मसीह नासरी के नाम से आज की सुबह में इनके जीवन से दूर करते हैं प्रभु। लॉर्ड फादर मैं प्रार्थना करती हूँ आज जब ये घरों से बाहर निकलते हैं लॉर्ड, कोई भी काम करते हैं पिता, यीशु मसीह ने प्रोटेक्ट करे, हर एक दुर्घटना से, हर एक एक्सीडेंट से, हर एक दुष्ट की योजना से आप इन्हें प्रोटेक्ट करें यीशु। आज के दिन में इनके काम सफल हो प्रभु जी, अच्छा स्वास्थ्य इन्हें दीजिए परमेश्वर, और जहां कहीं भी जाएं प्रभु सुरक्षित आप इन्हें घरों को लेकर आए परमेश्वर पिता। जो घरों में हैं आप उनके घरों में रक्षा करें। इस समय छोटे बच्चे प्रभु जो स्टडी कर रहे हैं यीशु ज्ञान बुद्धि समझ से भरें, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यीशु आप उन्हें भी ज्ञान बुद्धि समझ से भरें प्रभु। बुजुर्गों को आपके वचन में और प्रार्थना आराधना में और बढ़ने में सहायता और मदद कीजिए। जो विश्वास में कम हो गए हैं प्रभु उन्हें और इंक्रीज कीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए कि वो तुझ में बढ़ सके, संगति में, वचन की गहराई में बढ़ सके परमेश्वर। धन्यवाद करते लॉर्ड, आप अपने बेटे बेटियों को बढ़ाइए परमेश्वर, उन्हें आगे बढ़ाएं, उन्हें आशीषित करें। और प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने बीज को बोया है यीशु के नाम से वो फलवंत हो, यीशु के नाम से उनके खत्ते भरे रहें, अबंडेंस ब्लेसिंग उन पे आए प्रभु, स्वर्ग के झरोखे उन पर, उनके परिवार, उनके घराने में खुल जाएं और किसी भी भली वस्तु की घटी कमी इन्हें और इनके परिवार को ना होने पाए। इनके अन्न जल के भंडारों पर, इनकी कमाई पर तेरी बरकत और आशीष हो पिता, धन्यवाद करते प्रभु। आज के दिन में आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दीजिए प्रभु, विशेषकर जो आज समय बीमार है और दर्द में है और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यीशु के नाम से हर प्रकार की बीमारी इनसे और इनके परिवार के हर एक उस सदस्य से जो बीमार है वो निकल कर चली जाए, वो दर्द चले जाए यीशु के नाम से, ये छुटकारा पाए हर एक बीमारी, हर एक दर्द से यीशु के नाम से प्रभु। तेरे कोड़े खाने से तेरे बेटे और बेटियां चंगे हो गए हैं इसी वक्त प्रभु, राइट नाउ आई अनाउंस हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, कोरोना वायरस नष्ट हो जाओ यीशु के नाम से, तुम्हारा कोई अधिकार इन पर, इनके परिवार पर, इनके शरीरों में नहीं है, निकलो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। ये रिकवर होने पाए, जिस समय हॉस्पिटल में है, नाना प्रकार की बीमारी में है और ये भाई बहन उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें भला चंगा और स्वस्थ करें, हॉस्पिटल से घर लेकर आए, वो स्वस्थ होकर तेरी महिमा करे प्रभु। धन्यवाद पिता, हम धन्यवाद देते हैं जो भाई बहन निरंतर अपनी गवाहियों को वीडियो के माध्यम से भेज रहे हैं प्रभु, यीशु उन्हें और उनके घराने को ब्लेस करें और यूं ही आप उनमें बने रहें और वो आप में बने रहें पिता। धन्यवाद जो भाई बहन हमारे साथ निरंतर हमारे डेली लिसनर्स हैं प्रभु, वो तुझ में और बढ़ने पाए, अधिकाई से बढ़ने पाए और प्रभु उन्हें आप बहुत आशीष दें मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद पिता हमारी सुनने के लिए यीशु, हमारे साथ बातचीत करने के लिए पिता, और हमारे साथ निरंतर संगति करने के लिए यीशु, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।